बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी कॉन्वर्ट सीरीज में लेक्चर जो है आज हमारा है हेट्रोस कैटास्ट्रोफी, इट्स रीजन एंड सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, इससे पहले हमने एक छोटा सा क्लिप डाला था हेट्रो के ऊपर कि हेट्रो बेसिकली क्या है। आज हम उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन में चलेंगे कि ये बेसिकली हेट्रोस कैटास्ट्रोफी है क्या, इसके रीजंस क्या हैं, ये क्यों होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी मॉडल में हेट्रो का प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यू रेडी? हैव यू टेकन योर नोटबुक्स एंड पेंसिल्स, रबर्स और बॉल पॉइंट्स? ओके। अच्छा जी, हेट्रोस्कैडास्ट्रिसिटी क्या है जी? ये बेसिकली हमारा एक अजम्पशन होता है ओएलएस का, जिसमें हम कहते हैं कि जी हमारा मॉडल जो है वो होमोस्कैडास्टिक है। होमोस्कैडास्टिक, होमो का मतलब सेम या एक जैसा या इक्वल, और स्कैडास्टिक कहते हैं स्प्रेड को, फैलाव को, यानी वैल्यूज़ का जो फैलाव है वो सेम रहता है वेरिएंस के एरर का। तो अब हम इसी जब ये अजम्पशन जब वायलेट होता है तो फिर क्या हो जाती है हेट्रोस्कैडास्टिसिटी, यानी जब किसी एक्स की वैल्यूज के जितने भी जो एरर टर्म्स हैं उनका जो वेरिएंस है अगर वो इक्वल ना रहे, सेम ना रहे, तो वो क्या हो जाती है, वो हेट्रोस्कैडास्टिक हो जाता है। ठीक है जी। अब इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं वी कैन से दैट होमोस्कैडास्टिसिटी मीन द वेरियंस ऑफ एरर टर्म इज कॉन्स्टेंट, और जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हेट्रो होगी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। आप इसको ग्राफिकली भी देख लें, देखें अब ये पहली जो है इसके सारी वैल्यूज़ करीब करीब हैं, इट्स नियर टू ईच अदर, जबकि शुरू में देखें इधर वैल्यूज़ करीब करीब हैं, यानी वेरिएंस कम है, फिर स्प्रेड जो है, फैलाव जो है, स्कैडास्टिसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो दिस इज़ नाउ हेट्रोस्कैडास्टिक। अब सवाल ये है कि ये क्यों इसमें स्प्रेड कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, आखिर क्या रीज़न हैं? तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहली तो है एरर लर्निंग मॉडल। एरर लर्निंग मॉडल एज द नेम क्लैरिफाइज कि जितनी आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वक्त के साथ साथ आपकी जो एरर्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं या कम होना शुरू हो जाती हैं। तो आप देख लें कि कोई भी काम आप शुरू में करेंगे तो आप उसका उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, फिर बाद में ऐसा सा यू गेट मास्टरी ओवर इट, तो एरर जो है वो कम। तो शुरू में जब आप वैल्यूज़ देखेंगे तो उसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा, फिर एरर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपके करीब करीब आना शुरू हो जाएंगी। इसी आप इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे अभी हम एक 100 स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको टाइपिंग आती है, कुछ लोगों को टाइपिंग नहीं आती, तो आप जब उनकी एरर्स को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑफकोर्स उनकी जो वैल्यूज़ में स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा। जिनको टाइपिंग आती है उनकी एरर्स कम होंगी, जिनको टाइपिंग नहीं आती उनकी एरर्स बहुत ज़्यादा होंगी। सो द एरर वेरियंस इज नॉन कॉन्स्टेंट, इट फॉल्स एज अ टाइम इंक्रीज, और ये फर्दर कम होता चला जाएगा। आप इसको ग्राफिकली देखें, शुरू में देखें स्प्रेड कितना ज़्यादा है मीन से, वैल्यूज़ बहुत दूर दूर तक हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें टाइम के साथ साथ आवर्स ऑफ टाइपिंग में क्या रहे, वैल्यूज़ सारी करीब होती जा रही हैं सेंटर के, तो सारी वैल्यूज़ नज़दीक आ गई। तो ये जो देखें ये हेट्रो हो गया, पहले स्प्रेड ज़्यादा है फिर कम हो रहा है और फिर बिल्कुल स्प्रेड कम हो। एक और रीज़न इसका ये हो सकता है, जैसे हम अगर इनकम का और एक्सपेंडिचर का डाटा लेते हैं तो आप देखें रिच फैमिलीज़ का जो इनकम होगा और जिसका एक्सपेंडिचर होगा उसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बते पुअर फैमिलीज़ के इनकम और एक्सपेंडिचर्स का। उसकी वजह ये है कि उनकी डिस्क्रिशनरी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, और जो पुअर होंगे उनकी डिस्क्रिशनरी इनकम कम होगी, तो उनके डिस्पोजल पर जो इनकम है वो कम है, लिहाजा उनके खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। सो देर बी वेरियंस, देर बी स्प्रेड बिटवीन दीज अमंग दीज वैल्यूज़। इसी तरह तीसरी एक रीज़न ये हो सकती है, जब कोई प्रोडक्शन की टेक्निक इम्प्रूव कर जाए तो उससे भी एरर्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो वो लिहाजा पहले एरर ज़्यादा थे अब कम हो गए, क्योंकि वैन दी मैथडोलॉजी इम्प्रूव, वैन द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, सो द चांसेज ऑफ एरर रिड्यूसेस। सो वाई डिक्रीजेस, देखें पहले बैंक में जैसे एग्जाम्पल दी हुई है कि एंट्रीज ना मैनुअल होती थी, अब सॉफ्टवेयर के जरिए एंट्रीज होती हैं, वो खुद ही एंट्री जो है वो पोस्ट हो जाती है जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में चली जा रही है और अगली फर्दर स्टेटमेंट्स बनती जा रही हैं। इसी तरह आप देख लें, अगर पहले फोटोस्टेट जब हम करते थे तो जब फोटोस्टेट मशीन नहीं थी तो कार्बन पेपर से किया जाता था, तो कार्बन पेपर पे जाहिर बात है गलतियों के चांसेस ज़्यादा थे, अब फोटोस्टेट जो कुछ पेपर पे है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, तो चांसेस कम। इसी तरह एक और रीज़न इसका ये हो सकता है, हमने इसके मेथडोलॉजी में पढ़ा था कि द मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड, तो अगर मॉडल्स करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है, आपने गलत वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए हैं या जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल था वो ओमिट हो गया है, रह गया है आपसे, तो उसकी वजह से भी हेट्रोस्कैडास्टिसिटी हो सकती है, क्योंकि वो मॉडल का जो मेन वेरिएबल था या इम्पोर्टेंट वेरिएबल थे वो आपने
मिस कर दिए। सो ये चंद रीज़न्स हैं, आप मज़ीद इसको डिटेल भी देख लेंगे। मैं ये और भी इसके रीज़न हैं, ये मैंने मेजर 4-5 रीज़न आपको एक्सप्लेन कर दिए। इम्पॉर्टेंट बात इस सारी डिस्कशन के अब तक की ये है कि जो हेटरोस्केडास्टी के जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली रिलेट करता है क्रॉस सेक्शन डेटा से। टाइम सीरीज़ में नॉर्मली ये इतना नहीं होता। क्रॉस सेक्शन डेटा, आपको आपको पता है क्रॉस सेक्शन इज ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटा। इसमें हम मुख्तलिफ साइज़ के फैमिलीज़ या मुख्तलिफ साइज़ का डेटा ले लेते हैं, तो जाहिर बात है जब डेटा ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जिसकी डिस्पर्शन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे फैमिली स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज, जैसे मैंने इनकम की एग्जांपल दी, अमीर हैं, गरीब हैं, तो उनके जो हमने अगर डेटा कलेक्ट किया एक जगह से, एक शहर से, एक इलाके से, तो वहाँ मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, अपर क्लास भी है, तो उनके डेटा में डिस्पर्शन ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम टाइम सीरीज़ में जाएँ तो ओवर ए पैसेज ऑफ टाइम या ऐसा ऐसा चीज़ें एक ट्रेंड पे आ रही होती हैं, तो पैटर्न सिमिलर बनना शुरू, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, जो डिफरेंस है, वो इतना नहीं रहता। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। अगर हेट्रो किसी मॉडल में आ जाए तो उससे फ़र्क पे क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो एस्टिमेटर्स हैं, वो तो आपके अनबाइस्ड ही रहेंगे, कंसिस्टेंट भी रहेंगे, लेकिन आपकी वो एफिशिएंट नहीं रहेंगे। क्योंकि एफिशिएंसी के लिए हम जानते हैं कि उसमें आपका वेरिएंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इसमें तो हम यही पढ़ रहे हैं कि जो वेरिएंस है वो वेरी करता है, और वो कम होता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। सो सूरत में जब आपका एस्टिमेटर एफिशिएंट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, जो एस्टिमेट्स एफिशिएंट नहीं रहेंगे तो आपके जितने भी आपके स्टैंडर्ड एरर बायस हो गया, और स्टैंडर्ड एरर के बायस होने की वजह से आपके जितने भी टेस्ट हैं, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, या बाकी जितने भी लीनियर रिग्रेशन वगैरह आप रन करेंगे, वो सारी की सारी उसका रिजल्ट जो है वो बायस्ड हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, द टेस्ट विल बी इनएप्लीकेबल। अप्लाई करते रहें, उसके रिजल्ट जो हैं वो वैलिड नहीं रहेंगे, तो ये ख़तरनाक बात है। अब इसके सोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वेटेड लीस्ट स्क्वेयर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक आध डिस्कस कर लेते हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर मेथड। जनरलाइज्ड में क्या होता है, जैसे कि नेम से पता लग रहा है कि वो जनरलाइज द थिंग्स, क्योंकि चूँकि वेरियंस जो है वो एक पैटर्न पर नहीं है और किसी मॉडल में हेट्रो है, तो हमने उसको जनरलाइज करना है, एक ही पैटर्न में एक फॉर्म मिलाना है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस भी कह लेते हैं। आप देख लेंगे अभी, लेट सपोज हमारे पास ये टू वेरिएबल की एक रिग्रेशन है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं β1x0 और β1x1 और β2x2, x1 एंड μi। अब हमें चूंकि हेट्रो हमने डिटेक्ट की है, कि पता लग गया कि हेट्रो है इस मॉडल में, हेट्रो कैसे डिटेक्ट करते हैं, अब आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, SPSS में भी आप कर सकते हैं, दीगर सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, पार्क टेस्ट है, वाइट टेस्ट है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लगा के आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये डिटेक्ट किया, लेट सपोज़ के हेट्रो जो है उसका जो वेरिएंस है वो इतने है, सिग्मा स्क्वेयर के बराबर है, ये कांस्टेंट है। तो अब इसको हमने क्या किया, इसी रिग्रेशन को हमने इस पे डिवाइड कर दिया, जो कांस्टेंट वेरिए जिसकी जितना हेट्रो आ रहा था, जितना भी इससे वेरियंस हमारा वेरी कर रहा था। ठीक है जी, ये सिग्मा आई स्क्वेयर की अमाउंट है। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये नई इक्वेशन आ जाती है। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया सारे इक्वेशंस को लेफ्ट राइट साइड पे, तो अब जो नहीं है हमने इसको स्टेरिक कर दिया ताकि डिफरेंस हो जाए पहली वाली से। बाकी एज इट इज ही लिखा हुआ देखें, β1, अब β1 जो है बेसिकली क्या है, β1 बाय सिग्मा, ठीक है, और ये β2 जो है ये है β2 बाय सिग्मा स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसको जिसको हमने स्टार किया है इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, सो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये कहता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिनल मॉडल। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, अब हम जब इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे इसी वेरिएंस की, एरर टर्म के वेरिएंस की, तो आप ये देखें ये क्या हो जाएगा, ये यू आई जो है ये अब क्या है, यू आई डिवाइड बाई सिग्मा, ये हमने पीछे डिस्कस किया, तो यू आई डिवाइड बाई सिग्मा। अब सिग्मा एक कॉन्स्टेंट फिगर है, नोन है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, ये कोई भी जितना भी होगा, तो अब एक्सपेक्टेशन जो लगी वो लगी आपके एरर टर्म के ऊपर, और एरर टर्म की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो होती है सिग्मा स्क्वेयर। तो इसको जब ये क्रॉस ये कट जाएगा आपस में तो क्या रह जाएगा, 1। अब ये 1 एक कांस्टेंट है, दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ ट्रांसफॉर्म डिस्टर्बेंस, नाउ इट इज़ होमोस्केडास्टिक। तो हमने जो एक हेट्रो थी जितनी, उस मॉडल को उसको हमने जनरलाइज करके होमो कर दिया। सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप डिटेल बुक्स में देख लें, आपके लेक्चर्स में देख लें। यहाँ पे जो इस लेक्चर के अपलोड करने का मकसद ये होता है कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, बाकी डिटेल आप बुक्स में लें, गुजराती की बुक को स्टडी कर लें या वूल वर्ल्ड की कर लें,
तो आपको उसमें फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन सो यू कैन राइट मी इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई इट। थैंक यू वेरी मच।